मैं बाइक लेके निकलता हूँ, कभी कभी कांटा एमटी से फुल की तरफ जाने लगता है। चैनल कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ गाइस। प्यासी हुई है अपनी वैनम दी माइटी ZX10R, तो पहले उसको पिला देते हैं। कमन कमन कमन, जल्दी जल्दी जल्दी, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ। अरे कोई तो रुको, मुझे जाने दो। चलो अभी 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 मेरा टर्न, अभी मेरा टर्न। ये अरे बाप रे बाप। हाँ सो गाइस, फ्यूलिंग हो गया सेल में। मैं वैसे फ्यूलिंग नहीं करवाता हूँ, अभी कभी कभार थोड़ा डलवा लेता हूँ। अभी आप लोगों को पता है पुराना फ्यूल ही अभी जस्ट ख़त्म हुआ। वेट कर रहा था कब ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो इंस्टा पे एक रील वायरल हुई थी ना, मैं बाइक लेके निकलता हूँ, कभी कभी कांटा एमटी से फुल की तरफ जाने लगता है। चल झूठा, ऐसा हो गया था, फीलिंग सच में ऐसा आ रही थी। क्या खाली नहीं हो रहा है। कितना अच्छा लगता है सूदिंग साउंड सुन के, दिमाग को एकदम ठंडा शांत कर देती है ना भाई। अभी पता है आप लोगों को अच्छी साउंड नहीं आ रही है, उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको बहुत ही अमेजिंग साउंड सुनने को मिलेगी। तो गाइस आज का एजेंडा है, सब राइडर्स मिल रहे हैं, राइडर्स मीटिंग है, राइडर्स मीटिंग। और ये चली लंबी क्रेटा, थोड़ी ओवर प्राइस लगी मुझे क्योंकि 23 लाख रुपीस थोड़ा ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से। और ये यहाँ पे जाम लग चुका है, और देखो वो लड़का यहाँ से कार जो है वो अपनी लेन से दूसरी लेन में आ रही थी। यहाँ पे एक अंकल बाइक लेके चल रहे थे, फिर भी ये निकल गया। देखो देखो ये कैसा चला रहा है, तो क्या मिलता है इस तरह से चला के। मत चलाओ यार इस तरह से राइड करके, आप खुद को तो रिस्क में डाल रहे हो, दूसरों को भी, दूसरे की लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हो आप। और से कयान, जैसे कि अभी ऐसा खुला रोड मिलता है खींच लो, जैसे कि अभी मैं खींच रहा हूँ, और ऐसे जंक्शंस पे स्लो करनी पड़ती है। कौन कहाँ से कब निकल जाए। जट प्रभु जो जी ठीक है, आज ही मैंने उनका एक ब्लॉग देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के कि अभी उनकी, अभी वो ठीक है, ऑपरेशन सुन के हो गए हैं। अभी जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उन्हीं को कौन टाल सकता है। भगवान सबको शक्ति दे, सामने जो फैमिली थी जिनकी लॉस हुई है उनको भी भगवान शक्ति दे। सो गाइस ये हम लोग पहुंच गए, खोड़ो फील। अरे बाप रे बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो मुंबई घूम के आए ऐसा नहीं लेकर। हाँ आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अभी कैसा है? अच्छा है,
और हार्दिक भाई? हाँ वो सपना तो सब ये जगह पे अच्छा ही होता है ऑल टाइम। और ये अपने अंकित भाई आज टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच। आते नहीं हो, मेरे को बोल रहे भाई। भैया आए भाई, मैं भी टाइम निकाल के आया हूँ बस। भाई अभी कौन कौन आ रहा है दूसरा? पता नहीं, अभी देखते हैं। देखते हैं तो गाइस अभी निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया। अभी टाइम है घर पे जाने का। भाई केजी व्लॉग भैया, केजी व्लॉग्स वाले भैया, और ये हंक 1190 वाले भैया है, वीडियोस डालते नहीं है अभी। ये कौन सी बाइक है? ये बस अपनी नॉर्मल वाली, ये वाला निकाल देते तो वो बैंड वाला आ जाता ना। हाँ वो आ जाता, वो अंदर चला जाने, हेलमेट अंदर जाने के लिए। और ये अपने प्रिंस भैया है स्कॉर्पियो वाले। हाँ हाँ वही स्कॉर्पियो वाले, अभी जो स्कॉर्पियो हाइप बचाई है ना वो स्कॉर्पियो वाले भैया। और ये दुबई के शेख। और ये भाई अपने रोड बनाने वाले भाई, रोड अच्छे नहीं है, रोड अच्छे बनाओ यार। तुम हमको देती तो हम तुमको भी देती। सो हमारे साथ नए राइडर है, निंजा 300 है उनके पास। अभी हम लोग सब निकल रहे हैं घर पे जाने के लिए। और अच्छा खासा थ्रस्ट मिल गया मुझे। देखो ये लोग, ऐसे लोग भी रोड पे होते हैं जो ये लेन में चलते हैं और उनको जाना है इस साइड पे, वहाँ से साइड लाइट देके मुड़ जाते हैं। काफ़ी संभालना पड़ता है। सही में मजा आ गया। काफ़ी ट्रैफिक, जगह जगह पे कॉरपोरेशन ने खोद के रखा है और रिपेयरिंग करने के बाद वो लोग उसको ढंग से सही, जो पहले जैसा था वैसा करते भी नहीं है। बहुत ख़राब कर दिए रास्ते, डे बाई डे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो रही है। आई डोंट नो क्या होगा। Thank you.
अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।